उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं, कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले से हम सबको उज्ज्वलित करने आ रहे हैं संगीतकार राहुल देव बर्मन जी, पार्श्व गायिका आशा भोसले जी और गीतकार गुलजार जी। पंचम जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था शास्त्रीय संगीत के मूड से जी। और इसमें कुछ ज्ञान की बातें भी थी और कुछ राज की बातें भी थी, कुछ आपस की बातें भी थी, लेकिन एक और जो जरूरी अंग है जो गानों की कंपोजिशन में जो म्यूजिक डायरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो आपने भी बहुत इस्तेमाल किया है, वो है फोक म्यूजिक का। फोक के कलर्स कहीं ना कहीं, और उसके बावजूद के वो किसी भी जमाने के हों या किसी भी इलाके के हों, वो फिल्म में आकर हर जगह के लिए मौजूद लगते हैं, सही लगते हैं, और फिर उसमें आज का पीरियड भी झलकता है। और आपने कुछ इस तरह की हरकतें बहुत ज्यादा की हैं कि उसे मॉडर्नाइज भी किया है। मैं जैसे एक तो मैं अपनी खुशबू फिल्म में मांझी का एक गाना था, मुझे याद है, जिसमें आपने वायलेंस इस्तेमाल की है उसमें मांझी के गाने के साथ, वॉइसेस इस्तेमाल की हैं जो कमाल ब्लेंड होती हैं। आई मीन ये मतलब आपके सामने नहीं, बाहर भी यही कहता हूँ कि ये सिर्फ पंचम कर सकता था। नहीं, वो तो और एक जगह आपने बोट सॉन्ग को, मांझी के गाने को कैबरे सॉन्ग बनाया, एक जगह बिल्कुल मॉडर्न सॉन्ग बनाया था, वो फिल्म का नाम नहीं मुझे याद है, आशा जी ने गाया हुआ है। आ, मुझे याद तो नहीं। ओ मांझी, जी हाँ, ओ मांझी, ओ मांझी, ओ मांझी रे जाना कहाँ ये हरकतें मैं पिताजी से सीख चुका हूँ। पिताजी हमेशा बोला करते थे कि कोई भी कोई नयापन जो कहते हैं करना हो तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहो कि मॉडर्न कैबरे टाइप का गाना आप कीजिए, रोमांटिक गाने में दे दीजिए। नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि देखिए कि मेलेडी उसी तरह से कायम है, सुर उसी तरह से कायम है, खूबसूरती उसी तरह कायम है। ये गाना मैं अच्छा याद दिलाया आपने, मैं तो भूल ही गया था ये गाना। मैं भी भूल गई थी। ये मेरे ख्याल से रल्लन साहब के कोई पिक्चर किए थे मैंने, शायद हलचल। हलचल ओ माझी
जी। और एक गाना जो कैबरे फिल्म में है, लेकिन इसकी ट्यून बहुत सुंदर, लिखा हुआ भी अच्छा जी, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। ये शर्मिला जी ने फिल्म में गाया था, मुझे चरित्रहीन में। चरित्रहीन जी, इसमें एक और एक मजेदार, आप जब तबले का जिक्र किया था ना जी घर के गाने में, हाँ, तो इसमें एक कमाल किया था गुलजार, तो क्या ये सब एक्सीडेंटली हो जाता। देखिए क्या क्या बताता हूँ, जब पिताजी एक पिक्चर कर रहे थे प्यासा, मैं उस वक्त जस्ट बम्बे में आया था और पिताजी को ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे एक हजारे सिंह करके गिटारिस्ट थे। अच्छा। तो वो गिटार बजाया करते थे, गिटार मतलब हवाइन गिटार बजाते थे। हवाइन गिटार स्वीट इंस्ट्रूमेंट है और मेलोडियस ट्यून बजाया जा सकता है, जैसा हाँ। गाना हो सब इस टाइप से बजता है, लेकिन कभी भी इस तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को किसने यूटिलाइज नहीं किया होगा। कि हम लोग बैठे हुए थे तो एक्सीडेंटली हजारे सिंह बैठे हुए थे, उठे हाथ से उनका जो इंस्ट्रूमेंट वो है वो गिर गया, जिससे प्लग करते हैं ना, प्लेक्ट्रम कहते हैं उनका, वो गिर गया। तो जब ये तार के ऊपर गिरा तो जंप किया उसको, जैसे टड़क करके गिरा रहे तो टना 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 ऐसा गिरा। अच्छा अच्छा। तो पिताजी बोला कि ये कहाँ से आवाज आया, तो आधार सिंह ने नहीं था, माफ करना मेरे हाथ से वो गिर गया, तो इससे ये गलत और यही मेरे को चाहिए। तो जिन्हें नाज हिंद पर कहा है, मुझे और कोई चाहिए नहीं। इसी तरीके से ये चरित्र इनके गाने में रिकॉर्डिंग में सब लोग ट्राई कर रहे थे कि किस तरीके से नया रिदम कुछ किया जाए। एक आदमी चाय लेके आ रहा था मेरे लिए, तो उसका हाथ लगा तो चाय जाके एक टिप्पणी करके एक इंस्ट्रूमेंट होती है उसके बदन में जाके ऐसा क्रक करके लगा, तो एक आवाज आया जो मेटेलिक आवाज आया, वो आवाज मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मैं बोला कि इसको लगाओ रिदम में, तो सब लोग हंस पड़े। लेकिन उसका इंट्रोडक्शन म्यूजिक ही जो है ना, लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, टंग ट टंग, मतलब वो गाना क्या था, हाँ, तेरी मेरी टंग तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी, तूने मुझे पहचाना, मैं हूँ तेरी भूली कहानी, हो ओ जानी 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 तेरी। बेस गिटार को बहुत सुंदर लिया था, ढंग से आवाज आता था। अच्छा। तो पिकअप में जाता था। तेरी दीवानी
गुलजार मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, मैं यही याद कर रहा था, हम लोग दोनों ने अजीब और गरीब सब गाने बनाए, मतलब उसके अजीब ज्यादा है गरीब कम है, गरीब कम है, काफी महंगे बनाते हो। यार मैं सोच रहा था, एक दिन तुम आए थे म्यूजिक रूम में, आके कहा था कि देखो भाई तुम हर किस्म के गाने बना चुके हो, जैसे प्यार का, लव डुएट, सैड सॉन्ग, फिर बैकग्राउंड सॉन्ग, कोई बिछड़ गया था उस टाइप के, लेकिन एक पागल का गाना आज बनाने का है। तो मैं बोला कि मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे पसंद है कि पागलपंथी, तो मैं तो पागलों के साथ रहता हूँ, तो तुम भी खुद पागल हो, मैं भी खुद पागल हूँ, हम दोनों मिलके गाना बनाते। तो तुम कुछ बोल रहे थे कि काली कमली की सॉन्ग, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या था क्या वो। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि बैकग्राउंड उस कहानी की कुल्लू वैली जी, पहाड़ी जगह, और खुदा जाने तुम कहाँ कहाँ इस पागलपन में घूमे और कहाँ कहाँ से क्या क्या जमा किया, हमने खुद यही किया। सच तो यही है कि ये जुनून, ये पागलपन ही है जो क्रिएटिव भी है, और ऐसे ऐसे वक्तों पे वो सुर हाथ में देता है कि ढूंढे से जिंदगी के वो सिरे नहीं मिलते, अचानक इसी जुनून की कैफियत में मिलते हैं। और गाना था आशा जी, आपको याद होगा, आपने गाया था वो गाना, फिर से आइयो बदरा विदेशी, फिर से आइयो, हाँ वाव। और खुद ही बोल के अजीब सा एक ट्रेजिक नोट है उसमें, और वो हॉन्टिंग है और फोक है, और पिक्चर में उसमें एक बोल भी आते हैं, बल्कि पंजाबी मुझे गाना वो सब तो मतलब है, लेकिन मुझे शबाना आजमी जिस तरह कोहरा में चादर लपेटे गाती हैं और जो सीन उसमें हैं वो ज्यादा याद है। मैं उसे पिक्चराइज भी किया था हमने तो बिल्कुल, और उसमें म्यूजिक कंपोजिशन, आई मीन जो इंटरल्यूड म्यूजिक थे वो भी रोहतांग पास पे जाके, रोहतांग पास जो स्पीति है लाहौल वैली तरफ जाते हैं, तो उस वहां पे मतलब एक मिनट या दो मिनट खड़े नहीं रह सकते, इस कदर कोहरा बारिश और वो बादल घिरे रहते हैं, इस कदर ठंड वहां उस चोटी पे जाके वहां, और हवा चलती है, और शबाना बेचारी के पास ओढ़नी लिए हुए ड्रेस की कंटिन्यूटी है, उसे गर्म कपड़े हम दे नहीं सकते। करेक्ट। और उस हालत में उसने वो गाना गाया था, मतलब नीली पड़ जाया करती थी, ये शॉट खत्म होता था, लेकिन उसकी मेहनत और उसकी लगन, और मेरा ख्याल है उसके पीछे आप दोनों की इंस्पिरेशन थी वो गाने की कॉम्पोजिशन, तीनों के टीम वर्क बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था वो गाना। मैं
आप सबको तो गवाते हैं जी, जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं। कहते आज नहीं गाऊंगा, मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नर्सों गाता हूँ। अच्छा छोड़ दे, तू भी मत गा आज, कल करते हैं, परसों करते हैं। बिल्कुल इसी गाना तरह के हरकत है आयशा जी, वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी, मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है जी। मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन के, जिस तरह से आपने गाना है इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है। ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ। वो तो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है, धनों की आंखों में। इसका कमाल वो है? वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता यूं के लिए। ये ज्यादा बेटर है। उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से। उसमें एक गिटार का जो पीस है डरा रे ना उंडा ना ना ना, वो बहुत सुंदर लगता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछिए बताएंगे। ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग। अच्छा, तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन लोग खराब तरीके से, मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट होगा और तो कुछ भी नहीं। कैसा गा रहे थे हम, चलिए गाना सुन के और चांद का चुम्मा।
जैसे इसके पहले भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जैसे पागलपन के ऊपर गाना बनाया थे, तो हर टाइप के सिचुएशन के ऊपर तुमने भी लिखे हैं और मैंने भी कोशिश की कुछ ट्यून व्यून ठीक करने के लिए। एक पिक्चर मुझे याद है, पागलपन से याद आ गया मुझे, वो कैरेक्टर पागल गया, वो बसेरा करके एक पिक्चर, उसके शादी हो रही है, वो सिचुएशन बड़ा मुश्किल था। छोटी बहन जो है वो दीदी को टॉन्ट मार के गाना गा रही है एंड पूरा मोंटाज था, क्या थोड़ा भूल गया हूँ क्या था मोंटाज, कुछ कुछ आज जाऊं कुछ ऐसा गाना तो मुझे, मुझे याद नहीं, याद है वो गाना। वो लड़की आती है, शादी हुई है और अपने बहन को और अपने जीजा को छेड़ती है, तंग कर रही है। तो जैसे नहाने जाती बोलती कि तुम छोटे को नहलाओ, मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहलाऊं, जीजा को नहलाऊं, इस तरह वो तंग करती। और तंग करने वाली भी लड़की इतनी प्यारी है, जिसका नाम रेखा है, और इतना सुंदर काम किया था इस गाने पे, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। लेकिन आपने मुझे उस गाने में बहुत तंग किया था, उसमें डायलॉग बोलना, गाने में गुलजार ने बताया था। वैसे क्या है कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि एक दूसरे को तंग करना था उसमें, वो सिचुएशन लोकेशन की नहीं थी, सिचुएशन की थी। उसमें गाते गाते डायलॉग बोलना, फिर लय में फिर गाना शुरू करना, ये जो चीजें होती है बार गिन गिन के हमको गाना पड़ता है, वैसा वो गाना था। तो आप माहिर है, आप ही नहीं। लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए वैसे भी पंचम, मैं अकेली हूं पंचम एक्सपेरिमेंट के लिए, मैं हूं बस। ये गाना सुनते हैं, सुनाइए प्लीज।
नहलाऊं हो आऊंगी एक दिन आज जाऊं कहीं अगर अपना पता दे जाऊं हो आऊंगी एक दिन आज जाऊं जेते दाव अमाय देखो ना जेते देखो ना। ये तो आप बंगाली में गा रहे हैं, तो प्रोग्राम तो हिंदी मैंने वैसे हिंदी हो पंजाबी हो चाहे टिम्बकटू का जबान हो, गाना सुर जहां अच्छे मतलब जहां अच्छा वो गाना अच्छा होता है। सच ये आशा जी कि मैंने इसके बंगाली गाने चुराए, कई बार चुराए। अच्छा हाँ, बहुत बार ये पूजा के लिए गाने करता है जिस वक्त कंपोज करता है। ये तो मैं पास बैठे हुए मैं कई दफा धुन अच्छी लगी, जैसे एक उसके पूरे बंगाली के बोल मुझे याद नहीं, और गौरी दा फेमस पोएट फ्रॉम बंगाल गौरी जो लिख रहे थे, जी हाँ वो गाने लिख रहे थे और इनके बोल चल रहे थे पूजा के गाने के, हमें देरी हो लो जी आज ते हमारे देरी हो लीजिए, जिस पे वो गाना लिखा था उस ट्यून पे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, वो आधी का गाना हाँ और आधी में और उसी तरह से ये गाना इनका ये जो आप अभी गा रहे हैं। हाँ मैंने गाया था वो, इसका हिंदी भी आप ही ने गाया, हिंदी हमारे दिल पड़ोसी में था ना। जी हाँ जाने दो मुझे जाने दो कबे के आमी बोले छी ना 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 ना
अच्छा गुलजार, हमने काफी क्लासिकल ढंग के गाने बनाए और गुलजार के साथ ही बनाए, आपको कोई गाना याद आ रहा है जो हमने कोई पिक्चर की है? मुझे याद आ रहा है किनारा में एक गाना था। हाँ किनारा एक पिक्चर की थी, तो पूरा क्लासिकल बैकग्राउंड के ऊपर ही पिक्चर था। क्या आप लोग तीनों हम एक साथ हैं? आप दोनों को देख के मुझे आप ही की फिल्में याद आ रही है, मतलब गुलजार भाई की। किनारा में एक चीज तो कमाल की थी, जो कहावत है ना कि बाप का माल, तो बाप का माल बहुत चुराया था मैंने। प्राइवेट सॉन्ग था बंगाली, कांदी बोना फागुनोगे, कांदी बोना फागुनोगे, विदाय निये छो तुम दर दर दा, कांदी बोना फागुनोगे। ये याद है अब के ना सामन बरसे, अब के बरस मैं अभी याद नहीं आ रहा था कि तुमने क्या ली। अब के ना सावन बरसे, अब के बरस तो, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां। ये दीदी ने क्या गाई थी, जरा ये गाना सुने। अब के ना सावन बरसे, अब के ना फिल्में जी, शायद मैं उसमें
हूँ नहीं हूँ, लेकिन गाने तो मुझे बहुत पसंद हैं। और मैं नहीं, लोग ये कहते हैं कि जहाँ गुलजार भाई और आप आते हैं, बर्मन साहब साथ में आते हैं, वहाँ गाना कुछ और ही बनता है। ये बात सही है। और दीदी दीदी भी होती है ना साथ में, तो वो गाना कुछ बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, ऐसा सबका कहना है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये गाना तो है ही मीठा, ट्यून बहुत अच्छी है, लिखा हुआ अच्छा है, लेकिन वो पिक्चर ऐसी थी, वो भी गुलजार भाई की, सब उसमें गुलजार भाई का ही था, कि किसी हर एक के जीवन के साथ वो गाना जाता है। अच्छा, वो गाना हर, मेरा ख्याल है जीवन में 75% लोग औरत ऐसी होंगी जो हर एक के जीवन के साथ वो गाना जाता है। फिल्म कौन सी थी? तेरे बिना जिंदगी आधी की बात कर रहे हैं। शिकवा आपने, नहीं आपने सही फरमाया कि ये गुलजार और आर डी बर्मन जब काम करता है वो क्यों ऐसे गाना बन जाते हैं वो मुझे भी नहीं मालूम, ना गुलजार को मालूम है, लेकिन कुछ हो जाता है। हम लोग दोनों इकट्ठे बैठते हैं, मेरा ख्याल है हम लोग नियत अच्छी ये है। हाँ, हमारी नियत तो वाकई बहुत अच्छी है। और फिर ये कोई दायरा खींच कर नहीं बैठते कि नहीं हमें इस तरह का ही बनाना है या सिर्फ यही करना है। और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कभी कभी अगेंस्ट विल भी काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन हम लोग उस तरीके से वैसी बंदिश नहीं हुई है और उस तरह की सिटिंग्स में भी नहीं किया है। और स्पॉन्टेनिटी, एग्जैक्टली, बेसाख्तगी जो है ना उसका हमेशा ख्याल रखा है कि वो स्पॉन्टेनियस निकलना चाहिए। हालांकि इस गाने का बेस मैं पहले भी एक बार शायद यही प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इनके बंगाली गानों से उड़ाया हुआ है। हाँ, ये भी तो ये बैठ के पूजा के गाने कंपोज कर रहे थे और उसमें मैंने ये देरी हो लो आश्ते हमारे देरी हो देरी हो लिखे हैं। हाँ, गौरी दा का गाना तो वो सुन रहा था तो उस पर बना लिया था। तो ये भी उनमें से एक गाना है। एक और इनके इसी तरह से पूजा के गाने के ऊपर बनाया था, खुशबू में, सावन जले भादो जले। हाँ हाँ, दिल बेचारा क्या करे, वो भी पूजा के गानों में। वो कहेंगे कि अपना अच्छे गाने दूसरे को जाते हैं। ऐसे मैं नहीं बोलती। ये गाना सुनाइए, तेरे बिना, तेरे बिना सुनिए। आंधी का है ना? जी हाँ, बहुत सुंदर। कोई शिकवा तो नहीं।
रिकॉर्ड बनाने की सोची जी। सब लोगों ने कहा कि बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं ये रिकॉर्ड करें। हर एक ने कहा, फॉरेन से लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाइए। तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कि क्या टॉपिक पे जाना चाहिए, किस टॉपिक पे जाना चाहिए। तो गुलजार भाई ने अपने मन से ही टॉपिक चुन लिया और उस टॉपिक पे उन्होंने पूरा रिकॉर्ड उसी पे चलता है। अलग अलग गाने आते हैं लेकिन मकसद एक होता है। वैसे इस एल्बम का मैं पूरा क्रेडिट आपको देता हूँ। नहीं, ये इस वजह से कि बाकी सब कुछ होते हुए भी ये अगर आप इसकी कॉम्पोजिशंस के लिए, इसे बनाने के लिए पीछे नहीं पड़ती, जी हाँ, ये हजरत को ना पकड़ती आप और इस तरह, तो ये एल्बम का भी ना होती। और इस एल्बम की खास बात है कि बर्मन साहब का हमेशा ऐसा रहा है कि आज से आने वाले 10 साल का म्यूजिक वो पहले बना देते हैं, आने वाली चीज वो पहले करते हैं। और तारीफ इतना क्यों कर रहे हैं? और गुलजार भाई का लिखना भी ऐसा है कि आम आदमी के फट से समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिख गए, वो क्या कह गए हैं। अगर आप सोचे 2 मिनट तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही सुंदर उसको गहरी बात से वो कह जाते हैं। और कुछ अलग ही अपना तरीका है उनका लिखने का। और मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में शायद इस किस्म के लिखने वाले दूसरे कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं मेरी। नहीं नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुंह देखे भी नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ और सब शायद दुनिया के सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत साफ जो सच्चाई वो कह देती हूँ। मैं जो खास बात इन कॉम्पोजिशंस में, जिस तरह से आपने कहा आने वाले वक्त की, उसमें जो अलग बात है इसमें दिल पड़ोसी में, वो ये है कि बहुत से रिलेशनशिप्स हमारे हैं जिनके बारे में हम कहानियां लिखते हैं, गाने नहीं लिखते, नज़में भी नहीं लिखते, पोएट्री में भी नहीं कहते। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, हमारी सोसाइटी हमारे समाज का हिस्सा है लेकिन हमने इस पर गाने कभी नहीं किए। जैसे आपने गाना इस प्रोग्राम में गाया है, जाने दो मुझे, जाने दो, एक औरत जो अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, जाना चाहती है और उसके दुख का फिर भी एहसास है कि कुछ देर तन्हाई रहेगी, उसके बाद तुम भूल जाओगे, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, पर मुझे जाने दो। वो उन चोटों का जिक्र करती है जो उसके चेहरे पर निशानियां लेके जा रही है। द मैन हैज़ बीन अ वाइफ बीटर, जिसका जिक्र कोई गानों में या नज़मों में करते नहीं हम लोग, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है ये, और उन पे गाना कह लेना और उस दर्द को बता देना। इसी में गाना है जिसमें औरत शादीशुदा है और मैं सजदे में थी तूने लब छू लिए, एक जगह आता है इसमें एक गाने में, और तुमको परवाह नहीं थी मैं अकेली न थी, कुछ इस तरह की लाइनें जिससे सजेस्ट करते हैं हम कि शी इज अ मैरिड वुमन एंड इन लव विद समबडी। तो ये इस तरह के हिस्से जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, ये सिचुएशंस हम फिल्मों में कह नहीं पाते, बाहर लिखते नहीं, दिल पड़ोसी है मैं, ये पहली बार हुआ था। रात क्रिसमस की थी, रात क्रिसमस की थी, गाने में ना तेरे बस की थी ना मेरे बस की थी। और बर्मन साहब ने इसमें जिस तरह लगता है कि वाकई क्रिसमस हो रहा है कहीं लंदन में, पेरिस में, इसी तरह कुछ वो क्या गाड़ी छन 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 आवाज और क्रिश्चियन लड़कियां गा रही है और उसमें से ये गाना जैसे शुरू होता है, ये बहुत सुंदर गाना है। तो आज ये मैं सिर्फ बदला नहीं चुका रहा हूँ, लेकिन ये कि आपकी रेंडरिंग और आपकी गायकी, आपने जिस तरह से गाया है उसे, मेरा ख्याल आप लोग प्यार करते हैं इसलिए आपको मेरे गाना अच्छा लगता है। सही बात यह है कि आज क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है, इसलिए जाने से पहले कह देना चाहता हूँ सबके सामने कि आपकी रेंडरिंग उसमें एक और सोने पे सुहागा था। Ha ha ha!
जब मैं